नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। दुनिया में कई सीरियल किलर्स की कहानी आपने सुनी होगी, जिन्होंने अपने पागलपन के कारण कई मासूमों की जान ली हो, लेकिन किसी महिला सीरियल किलर के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इस सीरियल किलर का निशाना कुंवारी लड़कियां होती थी, जिसकी हत्या करने के बाद वह उनके खून से घंटों तक नहाया करती थी। हम बात कर रहे हैं हंगरी की एलिजाबेथ बाथरी की। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक महिला के रूप में जाना जाता है, जिनके कारनामों के कारण लोगों में उनका खौफ था। वहशी होने के साथ साथ ये महारानी एक खूनखार सीरियल किलर भी थी। वैसे तो अपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने सिलसिलावर ढंग से कई हत्याएं की होंगी, लेकिन इस महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। ये महारानी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। तो आइए जानते हैं हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली इस महिला के बारे में। हंगरी की रहने वाले इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता था। साल 1585 से 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज़्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को उनकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ को ये तरीका इतना पसंद आया कि उसने इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार वह मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांत से काटकर निकाल देती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उनके 3 नौकर भी उनका साथ देते थे। दरअसल एलिजाबेथ बाथरी हंगरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। एलिजाबेथ की शादी फेरेंग नेडिस्की नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बिछाती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसे पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी, लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई, तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर वे दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे। साल 1610 में एलिजाबेथ को उसके घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस कुकर्म के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसके ही महल के एक कमरे में उसे कैद कर दिया गया, जहां पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। तो ये थी बात बला की खूबसूरत महिला एलिजाबेथ बाथरी की, जो कि एक सीरियल किलर थी और उसे लड़कियों को मारकर उसके खून से नहाना काफ़ी पसंद था। तो ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया। रग रग में हिंदुस्तान। नमस्कार।